रिश्तों को तार तार करने का एक और मामला सामने आया है। शिमला के कृष्णा नगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें 80 साल की बुजुर्ग महिला को उसके ही घर से बेघर कर दिया है। 80 साल की इस बुजुर्ग महिला को इनके अपने ही बेटे की पत्नी यानी कि इनकी बहू ने घर से बाहर निकाल दिया है। अपना घर होते हुए भी बुजुर्ग महिला को उसमें रहना नसीब नहीं हो रहा है क्योंकि बहू इनके ही घर पर अपना कब्जा जमा कर बैठी है। बुजुर्ग महिला को घर से बाहर निकाल दिया है जो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। अब बस एक ही गुहार यह बुजुर्ग महिला सरकार और मुख्यमंत्री से लगा रही है, वह है तो बस इतनी सी इनके साथ इंसाफ हो। वर्षों से यह जो प्रताड़ना अपनी बहू की वजह से झेल रही है उससे उन्हें मुक्ति दिलवाई जाए। वही बुजुर्ग महिला के पोते ईशान का कहना है कि मेरी दादी प्रीतो देवी से उनकी चाची मारपीट करने के साथ ही गाली गलोच करती है। उनके चाचा की शादी के बाद से उनकी पत्नी का उनकी दादी के साथ व्यवहार ठीक नहीं था, लेकिन उस समय वह सब अलग अलग रहते थे जिसके चलते उन्होंने इस मामले में पहले कुछ नहीं कहा। लेकिन जब फरवरी 2018 में उनके चाचा की मृत्यु हुई तब उनकी चाची ने उनकी दादी को मार पीट कर घर से निकाल दिया है। अब वह बुजुर्ग महिला अकेले रहने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने पुलिस को भी इस संबंध में शिकायत दी थी लेकिन कोई कार्यवाही मामले में नहीं हुई है। अब वह मजबूर होकर मीडिया के समक्ष इस मामले को लेकर आए हैं ताकि उनकी दादी को इंसाफ मिल सके। तो देवी जी मेरे दादी हैं, मैं इनका बड़ा पोता हूँ। क्या है ये सारा मामला? ये सारा मामला सर ये है कि पहले मेरे फादर की डेथ हुई, फिर दादू की डेथ हुई, मतलब फिर इनके छोटे बेटे की डेथ हुई। जब से हमारे चाचू की शादी हुई उस दौरान से लड़ाई झगड़ा इनके साथ चलता रहा। तब तो हम इन्वॉल्व होते नहीं क्योंकि हम अलग अलग थे। अब इनकी हेल्प के लिए कोई है नहीं है। सबसे बड़ा मैं ही हूँ पोता इनका, तो मैं जाता हूँ तो वो सेम एलिगेशन लगाती है सर। वो ये कहते हैं कि इसकी हेल्प के लिए, बुजुर्ग की हेल्प के लिए कोई मत आए। जिसका घर ये मतलब ये रहती रहे अकेली तो इससे वो लड़ाई झगड़ा रखती है। फरवरी 2018 के बाद जब से मेरे चाचू की डेथ हुई है तब से इस बुजुर्ग महिला को उसने घर से लड़ाई झगड़ करके निकाल दिया। वो घर इन्हीं का है, बनाया इन्होंने। तो अब ये इतने परेशान हो चुके हैं, हम पुलिस में भी गए, हर जगह गए, पर कुछ कोई अल्टरनेटर नहीं निकला। अंत में हमने आपको आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी पड़ी कि शायद मीडिया द्वारा हमारी कुछ मदद हो। हाँ जी, हम एसपी साहब से भी मिले थे, डीएसपी शुक्ला जी से भी मिले थे। उन्होंने एसएचओ को ही मार्क किया था। एसएचओ साहब तो दादी जी को बोलते कि तुमने अपने मकान से क्या लेना है, अब उम्र होगी है, छोड़ो परे क्या लेना है, छोड़ो परे ऐसा जो बोलने क्या, अब जहाँ तुम रह रहे हो वहीं रहते रहो। मार दी कोर दी या गाला कर दी, मेरे दरवाजे च खड़ी होकर लड़ाई कर दी, बहुत ज्यादा गाली गवतार पूरे हाल कर दी। बुआ च मेरे खड़ी हो जाती है, मेरे को इन्या गाला गवतार कर दी है, मेरिया लड़कियां नू, मेरिया दोतियां पोतियां नू, हरेक बंदे नू नौलदी। इन्होंने नाल भी इन्होंने इल्जाम लाउंदी उल्टे सिद्धे, कहती जी मेरे ना इदा कर दे, जी मेरे ना इदा कर दे। रात सारी इन्हों नू थाने च रखा। बेटा मेरे लिए इंसाफ चाहिए, बेटा मेरे लिए इंसाफ चाहिए। हथ रखूँगे अपने साथ, वो इनको किसी को रहने नहीं देती, मेरे साथ रहने नहीं देती कि देती किसी को। कहती इसको कोई कमरा नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना, ये कली रहे। मैं कदे रोटी पानी पका सकती, खा सकती। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बदन की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।